नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको आईबीएस का इलाज बता रहा हूँ। आईबीएस जिसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है, आयुर्वेद में इस बीमारी को संग्रहणी के नाम से जाने जाते हैं। यह बीमारी आंतों में संक्रमण लगने से होती है। अस्त-व्यस्त खान पान के कारण तीखी तली भुनी चीजों का ज्यादा इस्तेमाल करने से कभी कभी हमारे आंतों में वायरस और बैक्टीरिया का संक्रमण हो जाता है और आंतें कमजोर हो जाती है और आंतों में छाले पड़ जाते हैं। तब आईबीएस की बीमारी में या तो कॉन्स्टिपेशन कब्ज हो जाता है या दूसरा बार बार दस्त होना शुरू हो जाता है और इसके कारण पेट में तेज दर्द होना, कब्ज होना या अतिसार होना या लेटरिंग के साथ रक्त आना, ये सारी परेशानियां शुरू हो जाती है और खाया हुआ खोराक अच्छी तरह पाचन नहीं होता है और मल के द्वारा निकल जाता है। इस बीमारी को जड़ मूल से खत्म करने के लिए आज मैं कारगर घरेलू उपाय बता रहा हूं। आइए जानते हैं दोस्तों आईबीएस का घरेलू उपचार। यह नुस्खा बनाने के लिए आपको कुछ जरूरी सामान चाहिए। दिवेल में भुनी हुई हरड़ 100 ग्राम लेनी है, 25 ग्राम सौंफ का पाउडर लेना है और 12 ग्राम सौंठ का पाउडर लेना है। तीनों चीजों को अच्छी तरह मिलाकर कांच की कोई अच्छी बोतल में भरकर रख लीजिए। इस पाउडर का उपयोग खाना खाने के बाद दिन में 2 बार करना है। इस उपाय को लगातार 3-4 दिन करने से आपको आईबीएस की बीमारी से निजात मिलेगा। इसके साथ साथ कुछ आयुर्वेद की अक्सिर दवाई है जो आपको पंसारी या आयुर्वेद की दुकान पर मिलेगी। आपको चित्रकारी वटी लेनी है, दूसरी है कुटजारिष्ट और तीसरा है कुटजगन वटी। आपको चित्रकारी वटी की 2-2 गोली 3 टाइम लेनी है, कुटजगन वटी की 2-2 गोली 2 टाइम खाना खाने के बाद लेनी है और कुटजारिष्ट को 1/2 कप गुनगुने पानी में 3 चम्मच डालकर दिन में 3 बार लेना है। इन आयुर्वेद दवाई का आप लगातार 1 महीना इस्तेमाल करोगे तो आपको आईबीएस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम संग्रहणी की बीमारी से आसानी से छुटकारा मिलेगा। इसके साथ साथ आपको गेहूं खाने में बंद करने हैं और आपको खट्टे फलों का ज्यादा इस्तेमाल करना है। दूध गेहूं को आपको अपने आहार से त्याजना है और दही छाछ और खट्टे फ्रूटों का ज्यादा इस्तेमाल करना है। आईबीएस की बीमारी में आपको बिलवादी चूर्ण छाछ में या दही में मिलाकर खाना खाने के बाद दिन में 3 बार 1-1 चम्मच लेना है। आईबीएस की बीमारी में आपको दिन में 3-4 बार थोड़ा थोड़ा करके खाना है, भर पेट नहीं खाना है, जिससे पेट में गया हुआ खोराक आसानी से पच सके। और आपको आईबीएस की बीमारी के कारण होने वाले तेज पेट दर्द, बार बार दस्त लगना और कब्ज की बीमारी से निजात मिल सके। दोस्तों, इन छोटे छोटे घरेलू उपाय को करके आप आईबीएस की बीमारी से छुटकारा पा सकते हो। दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आप सभी को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही नए नए योग एक्यूप्रेशर और आयुर्वेद के वीडियो को देखने के लिए मेरी यूट्यूब चैनल ब्रह्म ज्ञान को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, निरोगी रहो।